कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है एवं प्रशासन और पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए सड़क पर मुस्तैद है। रविवार को भागलपुर में लोगों ने पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर फूलों की बारिश की। कोरोना वॉरियर्स के बेहतर काम को देखते हुए महिलाओं ने गुरट्ठा चौक और जरलाही रोड में माला पहनाकर पुलिस जवानों का स्वागत किया, साथ ही अपने अपने घरों के बाहर आकर फूलों की वर्षा की और सैल्यूट करते हुए बधाई दी। दरअसल रविवार को जैसे ही सिटी डीएसपी राजवंश सिंह मोजाइतपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह के साथ गुरट्ठा चौक पहुंचे, वैसे ही कुछ महिलाओं ने तिलक लगाकर पुलिस कर्मियों का अभिनंदन किया और जरलाही रोड में चलने का आग्रह किया। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने पुलिस जवानों पर पुष्प वर्षा शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी प्रतिदिन शहर की सफाई करने वाले सफाई मजदूरों का माला पहनाकर स्वागत किया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मोजाहिदपुर थाना अध्यक्ष प्रमोद शाह ने बच्चों के बीच टॉफी, बिस्किट और मास्क का वितरण किया, साथ ही घरों में रहकर पढ़ाई करने की बात कही। आइए हम आपको दिखाते हैं भागलपुर में लोगों ने किस तरह पुलिस का स्वागत किया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसको लेकर के भागलपुर पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारी भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर मुस्तैद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरहट्टा चौक पर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सख्ती की जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं और सख्ती की जा रही है। लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। लोग अनावश्यक जो घर से निकल रहे हैं उसकी चेकिंग की जा रही है। खुद सिटी डीएसपी राजवंश चौक पर मौजूद हैं और आने जाने वाले से कारण पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है। इसका स्पष्ट जवाब देने वाले पर जो संतोषजनक जवाब दे रहे हैं उसे ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। और भागलपुर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो जिला प्रशासन है और जो पुलिस प्रशासन है और जो आम लोगों का सहयोग मिला है उसके बाद यहाँ पर एक भी अभी कोरोना का मरीज टाउन में नहीं पाया गया। और देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन का लोग सहयोग जो है तो स्वागत कर रहे हैं, माला पहनाकर भागलपुर की महिलाएं पुलिस प्रशासन का स्वागत कर रहे हैं। मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष का आपने देखा कि माला पहना करके स्वागत किया गया, सिटी डीएसपी का माला पहना करके स्वागत किया गया और यहाँ की महिलाएँ, भागलपुर की महिलाएँ, अनोखा नज़ारा एकदम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग, भागलपुर के लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और जवान को, पुलिस के जो जवान हैं जो ड्यूटी में दिन रात 24 घंटे मौजूद रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, जिसके कारण भागलपुर में लॉकडाउन सफल हुआ है। इसको लेकर के देखिए आरती तिलक भी किया जा रहा है, साथ साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं वो आरती तिलक कर रही हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह पुलिस का सहयोग किया जा रहा है और जो है तो लोग अपने छतों से फूल फेंक करके, माला पहना करके पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और पुलिस कर्मी रोड पर मुस्तैद हैं और जा रहे हैं लगातार। जो यहाँ गुरहट्टा चौक का जो इलाका है इससे आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस का जो है तो स्वागत किया जा रहा है। लॉकडाउन में जिनके कारण लॉकडाउन सफल हुआ है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन का देखिए किस तरीके से, और पुलिस पदाधिकारी भी जो है तो बच्चों के बीच, छोटे छोटे बच्चों के बीच वो जो राहत सामग्री है वो बांट रहे हैं। देखिए कुरकुरे दिया जा रहा है सिटी डीएसपी के द्वारा यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस पब्लिक का जो रिलेशन है वो भागलपुर में एक बेहतर रिलेशन देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से देख रहे हैं कि पुलिस के पदाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन में अपने घरों में ही रहें। हमारे साथ सिटी डीएसपी राजवंश सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए क्या संदेश होगा आपका। भागलपुर में लॉकडाउन बढ़िया से चल रहा है और हम सभी की कोशिश है कि जो भी अभावग्रस्त लोग हैं, जहां भोजन नहीं पहुंचता है वहां सरकारी स्तर पर डीएम साहब के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा भी कई जगह रसोई चलाई जा रही है, हम लोग उसको बंटवा रहे हैं और जो लोग अपने स्तर पर सामाजिक संगठन उनको भी करवा रहे हैं और लॉकडाउन के बारे में सभी को जागरूक भी कर रहे हैं। माला सर फेंक करके, फूल फेंक करके स्वागत कैसा लग रहा है? वो जनता का बड़प्पन है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है जनता के द्वारा, पुलिस प्रशासन का स्वागत किया जा रहा है। जो भागलपुर की जनता है वो कहीं ना कहीं आज जो है तो पुलिस प्रशासन का किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, माला पहना करके देख रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है एक बेहतरीन रिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग पुलिस का आभार व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस
प्रशासन के द्वारा जो काम किया गया है लॉकडाउन में, जिस तरीके से लोगों की मदद की गई है, उसका कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करने के लिए भागलपुर के लोग सड़क पर आए हैं और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस पदाधिकारियों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। सिल्क टीवी भी आप लोगों से अपील करती है कि आप जो है तो पुलिस प्रशासन का लॉकडाउन में सहयोग करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद नामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर नाथनगर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार देर रात मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही सुभाष यादव की पुत्री से बीते एक वर्ष से मृतक अभिनंदन यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ था। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात मामले को सुलझाने के लिए ग्रामीण स्तर पर पंचायत बुलाई गई, जिसमें गांव के दबंग पंचायत प्रतिनिधि के अलावा कई ग्रामीण मौजूद थे। पंचायती के दौरान पंचों ने प्रेमी पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही गांव में चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया। इस दौरान पंचायत समाप्त होते ही प्रेमी अभिनंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से ही पूरे गांव में तनाव उत्पन्न हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैसे हुआ रात में? पंचायत बैठा कर लीजिए। हेलो, पंचायत बैठा, पंचायत के बाद जुर्माना किया और जुर्माना के बाद पैसा लिया। पैसा लेने के बाद बोला पंचायती नहीं माना, नहीं हुआ पंचायती। कौन माना बोला कि यही मुंशी यादव बोला, सुभाष यादव बोला, गंधी यादव बोला, उसके बाद लुटो यादव बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद घर पैसा दे करके घर चला आया, तो यहाँ इसका खेले हो गया सर। मुंशी यादव किया। मुंशी यादव के अलावा और कोई शामिल था? इस जगह पर नहीं देखे, भाग गया। आप घटना का मुख्य कारण बताइए, क्या कारण था ये घटना होने का? शुरू से घटना की कारण कहीं मार लगी बता। लड़की के मैटर में मारा है, प्रेम प्रेम प्रसंग। हाँ, यूं तो भागलपुर पुलिस हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन कई ऐसे कार्य भी हैं जिससे आमजन में पुलिस की छवि और भी बेहतर हो जाती है। लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद है और लोगों को जरूरत का सामान मिलने में काफी परेशानी हो, तो मानवता के नाते भागलपुर पुलिस भी लोगों की मदद के लिए तत्पर है। कभी भूखे को भोजन कराने की बात हो या जन्मदिन मनाने की, भागलपुर पुलिस हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार है। भागलपुर SSP आशीष भारती को शहर के कारोबारी सौरभ जैन की बेटी ईशिका के जन्मदिन की सूचना मिली और SSP ने CTDSP राजवंश सिंह एवं कोतवाली थाना अध्यक्ष अमर विश्वास को केक का इंतजाम करने को कहा। SSP के निर्देश पर केक के साथ CTDSP और कोतवाली थानेदार कारोबारी के घर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों को केक के साथ घर पहुंचा देख ईशिका के घर वाले काफी खुश हुए और केक काटकर ईशिका ने जन्मदिन मनाया और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। दरअसल शनिवार को कारोबारी सौरभ जैन जब केक लेने के लिए घर से निकले तो पुलिस कर्मियों ने स्टेशन चौक और कोतवाली चौक से यह कहकर लौटा दिया कि केक की दुकान बंद है तो केक कैसे मिलेगा। इसके बाद कारोबारी निराश होकर घर लौट गए। तभी SSP आशीष भारती को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। भागलपुर में लगातार हो रहे सुअरों की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन और पशुपालन विभाग हरकत में दिख रहा है। शहरी क्षेत्र में मर रहे सुअरों को बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। शनिवार को वार्ड नंबर 21 में पशुपालन विभाग के डॉक्टर अनिल कुमार और उनकी टीम ने कई सुअरों को टीका लगाया। हम आपको बता दें कि पिछले एक माह से नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26, 27, 21, 44 और 50 में लगातार सुअरों की मौत हो रही है। नगर निगम के पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निगम और पशुपालन विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर सभी सुअरों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। वार्ड 21 के पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके वार्ड में भी आधा दर्जन से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। वार्ड नंबर 21 में विगत 5-7 दिन से रोज सुअर मरता था। इसकी जानकारी हम आप ही के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिल्क टीवी में हमने आग्रह किया था और लोगों को दिखाया आपके माध्यम से। ये बात जब वेटनरी के टीम के पास पहुंची तो वेटनरी का पूरा टीम डॉक्टर सहित कलकत्ता से वैक्सीन के साथ मेरे वार्ड में पहुंचा
और यहाँ करीबन 7 से 12 सुअर को पकड़ के हम लोग ने वैक्सीन लगाया है। अब हम कोशिश करते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद नहीं मरे, लेकिन ये परिस्थिति अब देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी सुअर मर रहा है, लगता है कि बहुत बड़ा रोग से ग्रसित है सुअर, इससे कोई रास्ता नहीं बनेगा। जब तक कि बहुत बड़ा टीम एक इस पर रिसर्च करके ये पता लगाया कि सुअर की मृत्यु क्यों हो रही है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। कोरोना वायरस की त्रासदी के कारण काफी संख्या में लोगों को भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी को देखते हुए परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में श्री शिव शक्ति योगपीठ की ओर से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच पका हुआ भोजन वितरित किया जा रहा है। भोजन वितरण में भीकनपुर नवयुवक संघ के कार्यकर्ता एवं गुरुसेवी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और स्वच्छता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। सुमन सौरभ उर्फ सोनू की देखरेख में संघ के सभी युवा दीन दुखियों की सेवा में लगे हैं और रोजाना अलग अलग चौराहों एवं मंदिरों एवं पड़ाव के समीप कतार लगाकर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि संकट काल में असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और सभी को अपनी क्षमता के अनुरूप सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर शशि कुमार, मोनू कुमार, मोनी, मनोज समेत कई युवा मौजूद थे। गर्मी आते ही पानी की समस्या जिले भर में गहराती जा रही है। गोराडी प्रखंड मुरहन जमीन में लोग पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। पानी के लिए ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अभी गर्मी की शुरुआत है और लोग जल संकट से बेहाल हैं। लॉकडाउन के कारण कई ऐसे कार्य हैं जिसके लिए लोगों को पहले से परेशानियां हैं और ऐसे में पानी की किल्लत ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। पंचायत के वार्ड संख्या 9 में पानी की समस्या दूर करने को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद अब तक समस्या दूर नहीं हुई है। इस क्षेत्र में महादलित वर्ग की आबादी रहती है और 7 निश्चय योजना के तहत बोरिंग भी कराया गया है, लेकिन बोरिंग का काम अधूरा है जबकि चापा नल भी खराब पड़ा है। अब ऐसे में गरीब जनता को पानी की आपूर्ति कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी के निजी बोरिंग एवं दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार लोगों की आपस में झड़प भी हो जाती है। भागलपुर के इसाकचक बुढ़िया काली स्थान परिसर में शनिवार को लॉकडाउन को लेकर लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई। सामुदायिक रसोई में तैयार भोजन आसपास के क्षेत्रों से आए बच्चों एवं जरूरतमंदों को कराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संस्था के सदस्यों ने अलग अलग कुर्सी टेबल पर बैठाकर बच्चों को भोजन कराया। 3 मई तक लायंस प्राइम की ओर से सामुदायिक रसोई चलाई जाएगी, जिससे गरीब परिवार के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़े। लायंस प्राइम के अध्यक्ष सुमित कुमार जैन ने कहा कि लॉकडाउन 2 में कोई भी भूखा नहीं रहे, इसको ध्यान में रखते हुए दिन के 11:30 बजे से शाम के 5 बजे तक सामुदायिक रसोई में बना भोजन कराया जाएगा। इस दौरान बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। गौरतलब हो कि सामुदायिक रसोई के पहले दिन महिला संघ ने अपनी ओर से भोजन व्यवस्था की थी। इस मौके पर सुधांशु शेखर, अभिषेक डोकानिया, अनिल गोयंका, रवि मित्तल एवं विवेक शाह मौजूद थे।
लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम के सदस्यों ने निर्णय लिया है लॉकडाउन के सेकेंड फेज में हम लोग सामुदायिक रसोई कम्युनिटी किचन का प्रारंभ 19 तारीख जो आज से किए हैं, जिसका समय लगभग 11:30 बजे से 2 बजे तक और दूसरे चरण में वही 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। वहीं शीतलास्थान चौक के समीप गणेश एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 150 जरूरतमंदों के बीच सूखा अनाज का वितरण किया गया। इस दौरान वार्ड 49 के पार्षद पति दीपक शाह, सोसाइटी के सचिव प्रदीप चौधरी, अमित पाठक, रंजीत सिन्हा समेत कई लोगों ने असहाय लोगों के बीच अनाज वितरित किया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों को आपस में दूरी बनाकर रहने एवं घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने की बात करते हुए सोसाइटी के लोगों ने हर संभव मदद जरूरतमंद लोगों को करने की बात कही। इस मौके पर सरोज झा, अभय सिन्हा, संजीव श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं कहलगांव अनुमंडल के सनोखर में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजकुमार सिंह द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण किया गया। राजकुमार सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग भूखे रहने को विवश हैं, जिसको देखते हुए जरूरतमंद लोगों के बीच राशन बांटा गया। माड़वाड़ी युवा मंच नाथनगर शाखा की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी रसोई के माध्यम से भोजन कराया जा रहा है। मंच की ओर से प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में गरीब परिवारों तक सेवा पहुंचाई जा रही है। वहीं नगर विधायक अजीत शर्मा और डॉक्टर अजय कुमार सिंह रविवार को मंच द्वारा चलाए जा रहे अपनी रसोई को देखने पहुंचे। विधायक ने संस्था के संजय अग्रवाल एवं युवाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की, साथ ही निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। नगर विधायक ने कहा कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन अधिकारी उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवाओं के प्रयास से ही जनता को राहत मिल रही है, जबकि डॉक्टर अजय कुमार ने लोगों को कोरोना से बचाव एवं लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए मंच द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। आने वाली हो घर में जा जाके तो उनको सचमुच उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सब काम बंद है। फिर आपको बता दें, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तो संवेदनशील है, वो अनाउंस तो करते हैं। जैसे अभी हम 27 तारीख से लड़ रहे थे कि बिना कार्ड वाले को भी राशन कार्ड के चक्कर में मत पड़िए, कार्ड मत देखिए, जो सचमुच कमेटी बना लीजिए और जो सचमुच गरीब है, जो खाना नहीं मिल रहा है, उनको सरकार खाना दे। जदयू के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुड्डू साई ने रविवार को इशाक चक पानी टैंकी के समीप जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। विगत कई दिनों से सुड्डू साई शहर के अलग अलग वार्ड में जरूरतमंदों के बीच सूची के अनुसार राहत सामग्री का वितरण करा रहे हैं, जिससे खाद्य सामग्री की कमी से लोग भूखे न रहें। सुड्डू साई ने कहा कि जब तक लॉकडाउन चलेगा, लोगों की हर संभव सेवा करते रहेंगे। साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करने की बात आम लोगों से कही। लॉकडाउन में असहाय लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सभी धर्म, जाति और समाज के लोग अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को श्री गौशाला समिति की ओर से वार्ड नंबर 21 में जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की गई। गौशाला समिति के मानव केजरीवाल ने अपनी टीम के साथ स्थानीय पार्षद संजय सिन्हा के सहयोग से गरीबों को राहत पैकेट मुहैया कराया। इसके पूर्व समाज सेवियों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। योजना घर के अध्यक्ष मानव केजरीवाल ने कहा कि श्री गौशाला समिति पिछले कई दिनों से जरूरतमंद लोगों के बीच पका हुआ भोजन एवं सूखा राशन बांट रही है। वहीं पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि टोकन सिस्टम के माध्यम से लोगों के बीच पैकेट बांटा गया। साथ ही पार्षद ने गौशाला समिति के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। हम लोग ये पिछले 22-23 दिनों से लगातार ये काम कर रहे हैं और राशन देने का काम हम उन लोगों को कर रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो रोज़ कमाते खाते हैं या जिनके कोई घर में कमाने वाला बाहर फंस गया है और यहाँ उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों तक हम लोग प्रशासन की मदद से, वार्ड पार्षदों की मदद से, BLO की मदद से, उस हर वार्ड में जाके जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक घर घर पहुँच करके उन लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग करीब करीब हमको लगता है कि 4000 से ऊपर जो मैंने वार्ड नंबर 21 से जिनको राशन कार्ड नहीं बना है उन लोगों का एक लिस्ट गौशाला समिति को दिया था और उनके जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल साहब, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपके वार्ड में जितना भी राशन कार्ड जिनका नहीं बना है उनको हम सहायता करेंगे। इसी संदर्भ में इन्होंने आज कुछ लोगों का खाद्यान्न भेजे हैं
और हम लोग उन्हीं के भेजे हुए खदान को बांट रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मजदूर अपने गृह राज्य और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांका के ढाका मोड़, घोसपुर एवं बेगूसराय के मजदूरों ने वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाई, जिसे देखकर एंजल कंप्यूटर सेंटर के संस्थापक कुमार चंदन ने सकारात्मक पहल की और तमिलनाडु चेन्नई में रहने वाले मजदूरों की मदद का इंतजाम कराया। कुमार चंदन एवं मदन मेहरा ने सीआरओ मद्रास की टीम को मजदूरों के समस्या की जानकारी दी और अविलंब मदद की बात कही, जिसके बाद सभी मजदूरों तक खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई गई।